सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ श्रद्धा, बस निकल ही रही हूँ। अब तो फोन रखेगी तभी जल्दी पहुंचूंगी ना। चल ऑफिस में मिलते हैं। बाय दीदी। दीदी आपका लंच बॉक्स। थैंक यू सुजाता। अच्छा सुनो, सारा काम करके चाबी पड़ोस में अभिलाषा को दे जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। मैं इवनिंग में उनसे ले लूंगी। ठीक है दीदी, बाय। अब मैं बनाऊंगी अच्छे से रील्स। क्या करूं क्या करूं। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक। इसमें कौन आ गया? भगवान, इस वक्त कौन आ गया? ठीक से तैयार भी नहीं होने देती। दीदी आप, इतना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में, कब से बेल बजा रही हूँ मैं? दीदी काम के शोर में बेल की आवाजें सुनाई नहीं दी। दीदी ये सब किसने किया? दीदी बिल्ली, बिल्ली घुस गई थी घर में, उसको भगाने में तो इतना टाइम लग गया। तुमने तो कहा तुम कोई जरूरी काम कर रही थी और उसी के शोर में तुम्हें बेल नहीं सुनाई दी। यही तो काम दीदी, आपको पता है ना बिल्ली को भगाना कितना मुश्किल है। वैसे दीदी आप वापस क्यों आ गई? अरे मेरी प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में है और वो मैं पेन ड्राइव घर पे भूल गई हूँ। आधे रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा, देरी में और देरी। पेन ड्राइव? दीदी वो तो बाहर टेबल पे रखी है, रुके मैं देती हूँ। हाँ क्या? यही है दीदी, रुके देती हूँ। कहाँ है? दीदी ये रही आपकी पेन ड्राइव। थैंक यू सो मच सुजाता, तुम नहीं बताती तो अभी पूरा टाइम मैं बेडरूम में ही ढूंढती रहती। ऐसे कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम नहीं होती तो हमारे पूरे घर का ख्याल कौन रखता? बाप रे, लोग फिर से शुरू होगी इनकी नौटंकी। दीदी इन सास बहू का तो रोज का यही है। ये सास बहू ना सांप और नेवले से भी ज्यादा लड़ते हैं। चल मैं चलती हूँ। अब बनाऊंगी अच्छे से रील्स। ये लगेगा मुझ पे अच्छा। ये है फाइनल टचअप। परफेक्ट। मोर नन्हे बलम मोहिका के गरम। अब बजे लगी सीटी पे सीटी, ये रानी तोरी जलती जलती जलती, तोरी जलती जवानी कद पानी पानी रे, तोरी जलती जवानी कद पानी पानी। ये हुआ पोस्ट। अब देखना इस वीडियो से मैं कैसे तहलका मचाती हूँ, रातों रात मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। सुजाता इन
रोहन सर। अरे बहू, जाने से पहले चौका तो साफ कर दे। दिन भर गंदा पड़ा रहेगा तो चींटियां कॉकरोच हो जाते हैं। ये सब मैंने अभी साफ किया था। आपने जानबूझ के बर्तन गंदे किए हैं ना? ये सब जानबूझ के करती है ताकि मैं लेट हो जाऊं। अगर आपको मेरी नौकरी से इतनी परेशानी है ना, तो मुझे साफ साफ बोल दीजिए। किसके आगे रोऊं? अरे किसको जाके बताऊं कि बहू ने अपनी नौकरी के चक्कर में घर का सत्यानाश करके रखा है। सत्यानाश? मैंने सत्यानाश किया हुआ है? पूरे घर का काम करके स्कूल जाती हूँ, वापस आके फिर पूरे घर का काम करती हूँ। अगर मैं ये घर ना संभालू ना, तो ये घर चिड़िया घर हो जाए। कभी एक गिलास पानी तक तो पूछा नहीं है। बोल रही है मैंने सत्यानाश किया हुआ है। ऐसा है ना, नौकरी तो सब अपने शौक के लिए कर रही है। इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी थी तो बस ऐसी बहू की जो घर में रहकर घर का ख्याल रखे। लेकिन मेरी फूटी किस्मत में तो तू लिखी थी। हद है, इतने आराम से जिंदगी जी रही हो, उसके बाद भी अपनी किस्मत को हमेशा कोसती रहती हो। एक बार खुद घर और बाहर का काम करके देखो ना, तो नानी दादी जो भी है ना, वो सब याद आ जाएंगी। अरे मैं क्यों करूं? इतना पैसा होते हुए भी बाहर जाकर चप्पल घिसना पड़े, ऐसी समझदारी तुझे ही मुबारक हो। आपको खुद तो कुछ करना नहीं है। अगर दूसरा कुछ कर रहा है ना, तो कम से कम उसके सपने तो मत कुचलिए। घर के काम तो आपसे होते नहीं है, बहू के लिए दो शब्द अच्छे तो निकल नहीं सकते। तो कृपया करके ना मुंह बंद ही रखिए। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, अब इस मूड से क्या स्कूल जाऊंगी, क्या बच्चों को पढ़ाऊंगी। और ये देखिए टाइम, आपकी वजह से ना रोज लेट हो जाती हूँ। रोज का यही सब ड्रामा कर रखा है। हेलो। हेलो मम्मी, क्या हुआ? आपकी आवाज ऐसी भुजी हुई सी क्यों है? क्या बताऊं हेमंत, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मम्मी क्या है, प्लीज बताइए, बात क्या है? जब से ये अभिलाषा नौकरी करने लगी है, मुझे तो नौकरानी बना दिया है। अरे खुद तो सुबह से शाम स्कूल में रहती है और बाकी का वक्त अपने कमरे में। अच्छा, अगर वो ऐसा कर रही है तो मैं उससे बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा। देखती जा बहू, तेरी नौकरी तो मैं छुड़वा कर रहूंगी। सब हो गया। वाओ, ये लड़की भी ना कितनी बेवकूफ है, कितनी लापरवाह है। कीमती सामान ऐसे ही छोड़ दिया। अगर चोर चोरी करने आएगा तो उसे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। कितना सुंदर लग रहा है मुझ पे, आज से ये मेरा। पुष्पा। हेलो। अरे वाह रे हीरोइन, तूने नया वीडियो बना के डाल भी दिया। देखा मैंने, एकदम फाड़ू लग रही है। हाँ, एकदम जबरदस्त। जल रही है ना, मुझे पता है। जब तू अंदर से जल रही होती है ना, तभी मेरी तारीफ करती है। अभी तो ये एक ही वीडियो बना है, नेक्स्ट टाइम देखना, इतना धमाकेदार वीडियो बनाऊंगी पूरी दुनिया पर वायरल हो जाएगा। चल अच्छा ठीक है, अभी फोन रख, मुझे घर के काम खत्म करने, उसके बाद पार्लर भी जाना है। अच्छा चल, बाद में मिलते हैं। चल बाय। अरे दीदी, आज स्कूल नहीं गई? मम्मी जी से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? वाओ दीदी, इतनी सुंदर रिंग डायमंड की है। बहुत खूबसूरत है। वैसे तू डांस तो बहुत अच्छा कर लेती है, तेरी स्टोरी देखी थी मैंने,
काम करने में तुझे ये सब करने का टाइम मिल जाता है? हाँ दीदी मिल जाता है ना, मुझे थोड़ी ना आपके जैसे घर के और बाहर के दोनों के काम संभालने, घर के काम मम्मी संभाल लेती है। अच्छा दीदी मुझे ना लेट हो रहा है, ये लीजिए चाबी, शाम को गरिमा दीदी को दे दे। हाँ अच्छा वैसे एक बात बता, इतना सज धज के तू काम करने के लिए आई है? अब वो दीदी मुझे ना मम्मी के साथ एक फंक्शन में जाना है तो सोचा यहीं से तैयार होकर चली जाऊं। ठीक है दीदी बाय। कैसी लग रही है मेरे हाथ में? बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारे हाथ में ये घड़ी। वाओ ये राठौर मैडम के है ना? हाँ अच्छे है ना? तेरा से ये यार एक नंबर लग रहे हैं। तुम्हारी एक मिनट। हेलो हाँ दीदी। नहीं दीदी मैंने कहा था ना मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं उनके पास वापस गांव जा रही हूँ, सॉरी दीदी। इनको जब पता चलेगा ना कि इनके घर से सोने के झुमके चोरी हो गए हैं तो बड़ा बवाल मचेगा, लेकिन हमें क्या, तब तक हम तो छू उड़न छू हो चुके होंगे। यार पुष्पा मुझे ना ये छोटी छोटी चोरियां करके ना मजा नहीं आ रहा और बोरिंग सा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कुछ बड़ा किया जाए, कुछ एक्साइटिंग किया जाए। ए अब तेरे दिमाग में क्या तिकड़म चल रही है? हाँ वो खत्री है ना गरिमा के पड़ोसी। कौन? वो दोनों सास बहू जो कंजरों की तरह सारा दिन लड़ते रहते हैं। हाँ हाँ वही, बहुत पैसा है उनके घर में, देखा है मैंने दोनों सास बहू ऊपर से लेके नीचे तक सोने से लदी रहती हैं, और उनका बेटा दिल्ली रहता है। सुचाता तू जो सोच रही है ना वो आसान नहीं है, देखा है वो सास बहू ना बहुत तेज है, सारे दिन कैसे लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। बस उस लड़ाई का तो हमें फायदा उठाना है, एक बार किसी भी तरीके से उस घर में घुसने की एंट्री मिल जाए, फिर इस मोहल्ले की आखिरी चोरी और यहां से उड़न छू। रे जा जा बड़ी आई, इसे तेरे आने से पहले तो ये घर चलता ही नहीं था। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं सुबह सुबह आपके मुंह लगने का, जा रही हूँ। हेलो हेमंत तू एक काम कर, तू मेरे लिए ना गोकुल आश्रम में कमरा बुक करा ही दे, मैं वहीं रह लूंगी। मम्मी अब क्या हुआ? मैं इस बुढ़ापे में नौकरानी बनकर अकेली घर में नहीं रह सकती, तू अभिलाषा को बोल दे या तो वो नौकरी छोड़ दे या मैं आश्रम चली जाऊंगी। अरे क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की, अरे हमारे घर में पैसों की कोई कमी है क्या? मम्मी वो पैसों के लिए नहीं अपने पैशन के लिए नौकरी कर रही है। अच्छा तो उसने तुझे भी पट्टी पढ़ा ही थी, अब तो तू भी उसी की भाषा बात करने लगा है। नहीं मम्मी मैं सिर्फ कह रहा हूँ, अभिलाषा को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है और बच्चों के साथ उसे वक्त बिताकर थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और कुछ नहीं। अरे बच्चे अगर इतने ही पसंद है तो खुद के क्यों नहीं पैदा करते? 3 साल हो चुके तुम दोनों की शादी को, तानी क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? अरे मेरी इच्छाओं की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मम्मी ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा की हम दोनों को कद्र है, हम दोनों ध्यान रखते हैं, लेकिन इस वक्त हम दोनों सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है तो फिर करो तुम्हारी जो मर्जी में आता है, मुझ बूढ़ी का क्या, पड़ी रहूंगी किसी कोने में, तुम दोनों जियो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। दीदी सुनिए ना, मुझे एक किचन में पहनने के लिए एप्रिन, 3-in-1 मॉप, एक वैक्यूम क्लीनर और ना हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स ला दो। देखिए घर के काम करते करते ना मेरे नेल्स और हाथ ना बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है और कुछ? मैं क्या कहती हूँ दीदी, घर की लाइटिंग में ना थोड़ी चेंज करा लो, बहुत ना डल सी हो गई है। अच्छा काम करने में ना बहुत ही परेशानी होती है। और कुछ? नहीं दीदी अभी के लिए बस इतना ही, कुछ होगा तो मैं बोलूंगी। ओके दीदी इस ड्रेस के साथ ना ये स्नीकर्स अच्छे नहीं लग रहे, एक काम करो आप ना वेजेस पहन लो, क्लासी लगेंगे। तुम्हें बहुत नॉलेज है फैशन की। अरे यार घड़ी
घड़ी कहाँ गई? सुजाता, तुमने मेरी घड़ी देखी क्या? अभी तो नहीं खरीदी थी। सुजाता, मेरी नई घड़ी थी यार, तुमने देखी कहीं? सुजाता, अजी दीदी, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रही हूँ तुम? हाँ दीदी, बोलिए ना। मैंने जो नई घड़ी खरीदी थी वो कहाँ है? मिल नहीं रही। हाँ, ढूंढती हूँ। सुजाता, मिली? नहीं दीदी, एक बात बताइए, आप ऑफिस की पार्टी में तो बैग में रखकर नहीं लेकर गए थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं लेकर गई, मैं घर पर ही छोड़ के गई थी, मुझे अच्छे से याद है। लास्ट वीक आपकी सहेली घर पर आई थी। दीदी, मुझे ना हेयर स्पा करवाना है, हेयर कट, और वो रेड कलर की स्ट्रिप्स होती है ना, वो करवानी है। और मुझे हेयर एक्सटेंशन और मेकअप करवाना है। कितना चार्ज होगा? 5,000 हेयर कट का, हेयर कलर का 10,000। ओके ठीक है, कर दी। बहुत महंगा है, हम कोई और पार्लर देखते हैं। हम बाद में आएंगे। मैं सब संभाल लूंगी। आप कर दीजिए। हाँ, मेरा भी। जा तू बैठ पहले। लेती हूँ, आपको चलने में दिक्कत हो रही होगी ना? ये क्या दीदी, आप ये सब सामान के लिए खामेखा परेशान होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर करके सब कुछ घर पर आ जाता है। मैं तो ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन ये मम्मी जी है ना, इन्हें मार्केट की ताजा सब्जियां चाहिए, तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे वाह, न्यू हेयर कट और न्यू कलर भी। वाह। हाँ दीदी, आज ही कराया है। वैसे दीदी, आप पार्लर नहीं जाती? देखिए ना कैसी शक्ल बना रखी है, जबकि आप तो खुद इतना पैसा कमाती हैं। अब गरिमा दीदी को ही देख लीजिए, हफ्ते में 2 बार पार्लर जाती हैं, मसाज, स्पा, न जाने क्या क्या कराती हैं, तभी तो दीदी इतना ग्लो करती हैं। वो ऑफिस जाके खुद ऑफिस का काम करती है, और मैं उनके घर रहकर उनके घर का सारा काम संभाल लेती हूँ। लेकिन दीदी, आपने तो घर में कोई नौकरानी भी नहीं रख रखी। अब तुमने मेरी इतनी मदद करी है, अब ये रख। अरे दीदी, रहने दीजिए, मैं ना ये कल चप्पल ठीक करवा के आपको दे जाऊंगी। अच्छा, तो चप्पल ठीक कराने के लिए तो पैसे चाहिए ना, ये रख। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ना 100 रुपए ऑनलाइन मेरे नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए दीदी सामान। हाँ, बाय दीदी। हेलो, क्या कर रही हो? मुझे याद कर रही हो ना? पता है अभिलाषा, तुम्हारे बिना दिन तो कट जाते हैं, लेकिन ये रात नहीं कटती। हेमंत, तुमने कभी हमारे पड़ोस में काम करने वाली नौकरानी को देखा है? मुझसे अच्छी तो वो सुजाता लगती है। खुद कमाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हेयर कट, हेयर कलर और इतना महंगा फोन। और एक मैं हूँ, खुद कमाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी बाई से कम नहीं लगती हूँ। चेहरे पे थकान के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। क्या हुआ, ये सब क्या बोल रही हो? मेरा मूड खराब है ना, तुम्हें पार्लर जाना है ना, तो चली जाओ, किसने रोका? दिन भर जॉब करने के बाद और घर का इतना काम करने के बाद और तुम्हारी मम्मी की चिक चिक सुनने के बाद ना, अगर पार्लर चली भी जाऊंगी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हेमंत, मुझे घर में बाई चाहिए। और तुमने क्या बोला था?
कि मैं मम्मी जी से बात कर रहा हूँ। करी तुमने मम्मी जी से बात? हाँ वो मैंने। बहू एक कप चाय मिलेगी क्या? लो आ गया तुम्हारी मम्मी जी का हुक्म। तुम्हारी मम्मी को ना कुछ और काम नहीं है, बैठे बैठे बस हुक्म फरमाती रहती हैं। बहू आ रही हूँ मम्मी जी। चलो ठीक है बाद में कॉल करती हूँ। बहू आई। नमस्ते आंटी जी, ये अभिलाषा दीदी की चप्पल मोची से ठीक करा के लाई। कितने रुपए हुए? 15 रुपए। अरे वो तो मोची ने लिए होंगे ना, तुम यहाँ लाई उसका? अरे आंटी जी रहने दीजिए, बस आप मोची के दे दीजिए। ठीक मैं लेकर आती हूँ। इस घर में एक बार घुस जाऊ ना तो पूरी जिंदगी बन जाएगी मेरी। अरे आंटी जी आपके पैरों में तो तकलीफ है, चलिए मैं मालिश कर देती हूँ। अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगी अपने आप। एक बार आप मालिश करवा के तो देखिए, मजा ना आ जाए तो कहिएगा। मैंने ना पूजा के पार्लर में पूरे 2 महीने काम किया है। अच्छा ठीक है कर दे इतना कह रहे। चलिए बैठिए। वैसे आंटी जी दीदी के ऑफिस जाने के बाद तो आप घर में अकेली रह जाती होंगी ना? क्या करें बेटा, सोचा था बहू आएगी तो घर में रौनक रहेगी, लेकिन बहू तो। ये बात भी है, वैसे ये कंगन बहुत पुराने लग रहे हैं, सोने के तो नहीं होंगे? ये तुझे खोटे दिख रहे हैं? अरे पगली खरे सोने के हैं मेरे सारे जेवर, आज तक कभी खोटा हाथ न लगाया मैंने। हाँ आंटी जी वैसे एक बात बताइए, आपका इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है, फिर भी आपने एक बाई तक नहीं रख रखी। अरे अगर एक बार बाई की आदत लग गई ना तो बहू भी आलसी हो जाएगी, पर घर की औरत को घर के काम की आदत होनी चाहिए। बाकी सब बात में आंटी जी आप भी कहाँ पुराने जमाने की बातें करती हैं, आजकल तो कोई भी अपना काम खुद से नहीं करता, हर किसी के घर में बाई रहती है और वही सारा काम करती है। आपके घर में भी बाई होती तो अच्छा होता। वैसे आगे आपकी मर्जी। दीदी आपके लिए चाय बना दूं? नहीं अभी नहीं, आज संडे है ना, आज मैं सोऊंगी बहुत देर तक। सुनो दरवाजा बंद कर जाना और शोर मत करना बिल्कुल। ठीक है दीदी। पुष्पा आ जा, ध्यान से बिना शोर किए आ जा, जल्दी आ। ये ले, ये इसे भी लेकर जा और देख ध्यान से जाना बिना शोर किए। चल। सुजाता ये कौन है? दीदी ये मेरी छोटी बहन है, कल ही गाँव से आई है। दीदी इसे भी काम पे लगवाना था। ये पेंडेंट तो मेरा है ना। नहीं नहीं ये तो मेरे मंगेतर ने मुझे दिया है, आपका कोई और होगा। हाँ दीदी ये तो इसी का है, और वैसे भी दीदी इतने सारे पेंडेंट होते हैं एक जैसे मार्केट में, आप भी ना। अच्छा और ये थैले में क्या लेकर जा रही, क्या सामान है इसमें? ये ना दीदी गंदे बर्तन है, मैंने सोचा बहुत गंदे हो गए हैं तो बाहर आंगन में ले जाकर मिट्टी से घस घस के दोपहर में धो दूंगी। नहीं तुम अभी धोकर जाओ।
ठीक है दीदी, तो आप चाबी दे देना। चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, अभी धोकर जाओ और चाय बना देना मेरे लिए, सर दर्द हो रहा है। तुझे कितनी बार कहा है अपना दिमाग साथ में लेकर घुमा कर। गरिमा का पेंडेंट उसी के घर में पहन कर आ गई। अरे बेवकूफ बेअकल की, तेरी वजह से गरिमा मुझ पर शक करने लगी है। इसका विश्वास दोबारा जीतने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देख पुष्पा, चतुराई से काम ले, वरना तेरी वजह से किस दिन बहुत बुरा फंसेंगे और सारा खेल खत्म हो जाएगा। दीदी वो दीदी आप परेशान लग रही है, क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही है, सब ठीक तो है? पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा फील हो रहा है। अरे दीदी आपको तो ये फोड़ा हुआ है, इसी की वजह से आपको बुखार भी है और दर्द भी है, और जब तक ये फोड़ा सूखेगा नहीं ना, तब तक ऐसे ही दर्द रहेगा। एक मिनट रुकिए दीदी, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही? ये सब क्या कर रही हो सुजाता? दीदी फोड़ा सुखाने के लिए ये पट्टी बांध रही हूँ, मेरी दादी कहती है ये पट्टी बांधने से फोड़ा सूख जाता है, और देखना कल तक ये फोड़ा सूख भी जाएगा और आपका बुखार भी उतर जाएगा। सुजाता थैंक यू सो मच, सुजाता थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, पर तुमने हमेशा एक छोटी बहन की तरह मेरी मदद की है, और इस घर को भी तुमने कैसे संभाला हुआ है, इतने मन लगाकर हर काम करती हो, कभी कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन खामखा तुम पे शक करने लगी। कोई बात नहीं दीदी, जाने दीजिए। पता है तुमने होती ना तो मैं नौकरी भी नहीं कर पाती। भोपाल की रहने वाली गरिमा और उसकी पड़ोसी अभिलाषा और उसकी सास सरला को इस बात की भनक तक नहीं है कि जिन्हें वो घरों में काम करके अपना पेट पालने वाली गरीब नौकरानी समझ रहे हैं, वो असल में शातिर अपराधी है जो किसी भी वक्त अपने इरादों को अंजाम दे सकती है। ये दोनों अब तक अपराधी के असली रूप से बिल्कुल बेखबर है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र आपका स्वागत करती हूँ क्राइम अलर्ट के इस नए एपिसोड में। सुजाता और पुष्पा लोगों का विश्वास जीतकर फिर अपने अपराध को अंजाम देने वाली दो चालाक अपराधी हैं। साधारण परिवारों में काम करने का बहाना बनाकर उनके घर में घुसना और मीठी मीठी बातों और अपने सोचे समझे तरीके से घर के लोगों का भरोसा जीत लेना, ये इन दोनों की खासियत है। गरिमा का विश्वास जीत चुकी सुजाता का अगला निशाना अभिलाषा का घर है, लेकिन क्या ये दोनों औरतें इस घर में अपने इरादों को अंजाम दे पाएंगी? क्या गरिमा और अभिलाषा ही इन अपराधियों का अगला शिकार बनने वाले हैं? पड़ोस वाली बुड्ढी की आवाज है, लगता है उसे कुछ हुआ है। तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल, मैं ये सब समेटती हूँ। जा जा जा, मैं मिलती हूँ तुझे बाद में। अरे आंटी जी, आप कैसे गिर गई? अरे अरे अरे, उठिए 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 उठिए। अरे एक काम कीजिए, आप इधर रखिए। हाँ आराम से आराम से।
कोई बात नहीं आंटी जी। ले जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिलाषा दीदी को अभी फोन करके बुलाती हूँ। दीदी आप जल्दी घर आ जाइए, आंटी जी के कमर में बहुत चोट लगी है। हाँ हेमंत, डॉक्टर बोल रहा है मम्मी को स्लिप डिस्क हुआ है, कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा। देखो हेमंत, मैं ज्यादा दिन के लिए स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती, प्लीज समझो, नेक्स्ट वीक से बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं। आंटी जी मैं कहती थी ना आपको कि घर का इतना सारा काम मत किया कर, अब देखो भगवान जी ने ना आपको घर के सारे कामों से छुट्टी दी। अच्छा आप ना मेरी प्लीज एक बात मान लीजिए, सुजाता को काम पे रख, जैसे उसने मुझे संभाल के रखा है ना, वैसे ही आपका पूरा घर बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ दीदी। है ना सुजाता जी? एक सेकेंड, या आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। हाँ आंटी जी, मुझे ना एक कॉलेज फ्रेंड से मिलने जाना है, बहुत जरूरी, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा सुजाता, ध्यान रखना आंटी का। हाँ जी दीदी, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? सुजाता तुम एक टाइम में दो घर का काम कैसे करोगी, गरिमा का ऑफिस और मेरा स्कूल टाइम सेम है। अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पुष्पा को बुला लूंगी। ये पुष्पा कौन है? आंटी जी पुष्पा मेरी छोटी बहन है, वो बहुत ही मेहनती है, वो पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लेगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही उसे बुला लूंगी। हेमंत देखो, मुझसे इस हालत में मम्मी जी को अकेले नहीं संभाला जाएगा, तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ ना, फिर चले जाना प्लीज। देखो मम्मी जी तुम्हें देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो थोड़ी शांत भी हो जाएंगी। मैंने अगले हफ्ते की लीव डाल दी है, मैं आता हूँ 2 दिन के लिए, लेकिन मम्मी को कुछ मत बोलना, नहीं तो फिर वो सौ सवाल करेंगी और परेशान हो जाएंगी। ठीक है। मैडम जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। मैंने सब देख लिया, कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। सुजाता, सुजाता। जी दीदी। मैं 3 दिन के लिए ना अपने घर जा रही, ये लो चाबी अभिलाषा को दे देना। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। अब फंसी है बड़ी मछली जाल, यही सबसे अच्छा मौका है, गरिमा बाहर है और सरला बीमार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोनों घर की एक साथ सफाई करने का। सही कह रही है, अब तू ध्यान से सुन कल हमें क्या क्या करना है। मम्मी जी ये गरिमा के घर की चाबी है, मैं यहाँ रख रही हूँ, याद रखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ। मैडम जी आपका आराम करने का टाइम हो गया ना, चलिए मैं वो कमरे तक ले चलती हूँ। आप आराम कर लीजिए थोड़ा में, ठीक है? ये ले गरिमा के घर की चाबी, जा जल्दी जा। जी
पापा दूध ले आना। जी लाई। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। आखिर सुजाता और पुष्पा अभिलाषा और उसकी सास का भरोसा जीतने में कामयाब हो ही गई। अपने ही जीवन की उलझनों में उलझी दोनों सास बहू ये भांप ही नहीं पाई कि इन दोनों औरतों की नजर शुरू से ही उनके पैसे और जेवर पर थी। अगर गरिमा भी अपने घर की छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करती तो शायद वो बड़ी चोरी से बच जाती। लेकिन जिसका डर था आखिरकार वही हो गया। लेकिन अब आगे होगा क्या? क्या अभिलाषा और गरिमा इन शातिर नौकरानियों को कभी पकड़ पाएंगे? या बाकी लोगों की तरह इस बार भी ये दोनों सबको चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे? मम्मी मम्मी कौन है तू? कौन है वहां? मम्मी, मम्मी, पुष्पा काम हुआ या नहीं अभी तक? या पहले की तरह फिर से कोई गड़बड़ कर दी? अच्छा ठीक है, तू मुझे ना बस स्टॉप पे आकर मिल 10 मिनट में, मैं भी पहुंच रही हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मम्मी को दूध में नींद की गोली मिलाकर दी थी। शुक्र है उन्हें कुछ हुआ नहीं, कुछ देर में होश आ जाएगा। थैंक गॉड कि मम्मी जी ठीक है। दीदी दीदी आपने मेरे घर के आसपास किसी को जाते हुए देखा क्या? दरवाजे पे चाबी लगी हुई है और घर का सारा कीमती सामान चोरी हो चुका है। इनफैक्ट सारा सामान गायब है। मतलब तुम्हारे घर में भी चोरी हुई है? हमारे घर से भी वो बाई पुष्पा गहने पैसा जो मिला उसे वो सब चुरा के भाग गई है। इन्होंने उसे भागते हुए देखा था यहाँ से। मैं सुजाता को अभी फोन करती हूँ। हाँ प्लीज। उसको फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। शायद उन दोनों ने तुम्हारे घर में चोरी की है। पुष्पा और सुजाता दोनों चोर है। इन दोनों ने चोरी करने के लिए ये नौकरियां पकड़ी थी। मुझे एक बार शक तो हुआ था सुजाता पर
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। और ये थैले में क्या लेकर जा रही है, क्या सामान है इसमें? ये ना दीदी गंदे बर्तन है। मैं ही नहीं समझ पाई कि ये सुजाता बार बार मुझे बाई रखने के लिए क्यों बोल रही थी। इससे पहले वो कहीं दूर भाग जाए हमें उन दोनों की पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। एग्जैक्टली राइट। हेलो इंस्पेक्टर, मैं हेमंत खत्री बोल रहा हूँ। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। हमारे और पड़ोस के घर में चोरी हुई है। चोरी किसने की है हमें यह भी पता है। हमें उसकी शिकायत दर्ज करनी है। आप बस हमारे घर का पता लिख लीजिए। आप लोग जैसा बोल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये चोरी उन दोनों नौकरानियों ने की है। सर ये उस बाई का फोन जिसे वो यहाँ भूल गई थी, इसी पर उस दूसरी औरत का फोन भी आया था। इसमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर पूरी भी राठौर, अलका श्रीवास्तव और तीन फैमिली ने इसी तरह की रिपोर्ट लिखाई थी। उनका सामान नौकरानियाँ चोरी करके ले गई। वैसे ये सारी औरतें वर्किंग वूमेन थी, उनके घर पे कोई नहीं रहता था। ठीक है, उन सबको पुष्पा के फोन से उसकी तस्वीर दिखाओ और कंफर्म करो कि ये वही नौकरानी है, और उनके पास इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनसे लो। सर दोनों नौकरानियों को बहुत जल्द पकड़ना होगा, और आप लोगों के पास भी उसकी कोई खबर मिले तो हमें बताइएगा। यस फॉर श्योर। सोना तो चौखो है मगर है किसका? तुम्हें उसे क्या मतलब, लेना है तो लो ना। ठीक है एक काम करो, इसको पहन के तो दिखा दो ताकि मैं भी देखूं मेरी लुगाई पे ये जेवर कैसा लगेगा। ले दिखा दो। ये नहीं पहन। सबूत इकट्ठा कर रहा हूं मैं। सुनार नहीं, हवलदार अरुण कुमार हूं। सर सुजाता की कॉल लोकेशन गाजियाबाद में मिली है। सबने कंफर्म किया है कि यही वो दो औरतें थी जो नौकरानी बनकर चोरी करती थी। वेरी गुड, अब वक्त आ गया चोर के घर में चोरी करने का। छोड़ो। रुको, 420 और चोरी के जुर्म में तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐशो आराम की जिंदगी के लिए तुमने मेहनत का छोड़कर चोरी का रास्ता चुना है। अब ये शॉर्टकट तुम लोगों का बहुत लंबा पड़ने वाला है। डालो गाड़ी मैंने। इसे इत्तेफाक कहे या खुश नसीबी, हेमंत के वक्त पर आ जाने से पुष्पा अपना फोन वही छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई और सारा खेल बिगड़ गया। कई सालों से सोचे समझी तरीके से चोरी करने वाली इन दोनों की जोड़ी को आखिर पुलिस ने पकड़ ही लिया और दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए जिसमें सजा सुनिश्चित है। गरिमा, अभिलाषा और बाकियों को भी उनका खोया हुआ कीमती सामान और जेवरात वापस मिल गए। हेमंत का एन वक्त पर घर आ जाना किस्मत ही थी, लेकिन हर बार किस्मत साथ दे ये जरूरी नहीं। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई अपराधी हैं जो फरार हैं। यही लोग किसी दूसरे राज्य, दूसरे शहर में अपनी पहचान बदलकर फिर उसी अपराध को अंजाम देने लगते हैं। ये शातिर अपराधी हमारी लापरवाहियों की वजह से ही पनपते हैं। अगर हम सतर्क रहे, अपने आसपास हर व्यक्ति की जानकारी रखे और अपने घर में काम पर आए किसी भी अनजान इंसान, चाहे वो नौकर हो, ड्राइवर, माली या चौकीदार, उसका पहचान पत्र और बाकी जानकारी रखे तो अपराधी को खुद के पास आने से रोक पाएंगे। इसी सुझाव के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलूंगी अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहे, सेफ रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।